नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ अहम खबरों से। राफेल विमान डील पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रिपियर के एक इंटरव्यू ने राहुल गांधी के इन आरोपों को झूठा करार दिया है। एरिक ट्रिपियर ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। राहुल गांधी ने दसॉल्ट और रिलायंस के बीच हुए ज्वाइंट वेंचर के बारे में सरासर झूठ बोला है। एरिक ने कहा, डील के बारे में जो भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छठ पर्व पर ट्वीट कर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अध्यक्ष ने ट्वीट में लिखा, जीवनदायी सूर्य और प्रकृति की उपासना के महापर्व छठ पर देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। व्रत, समानता और संयम से मनाए जाने वाले इस लोक पर्व पर पूजकों को मनोवांछित फल मिले, ऐसी मंगल कामना करता हूं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने भी लोगों को छठ की बधाई दी। दिल्ली पुलिस ने सुल्तानपुरी इलाके में 40 साल के ट्रक ड्राइवर को काला जादू करने के लिए एक उल्लू की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ट्रक ड्राइवर ने एक महिला को आकर्षित करने के लिए उल्लू की बलि दी है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी के घर पर छापा मारा। आरोपी कन्हैया ने बताया कि उसे एक लड़की पसंद है और वो उसे आकर्षित करना चाहता था। उसे ये पता चला कि उल्लू की बलि देने से उसे इस काम में मदद मिलेगी। इस काम का आइडिया उसे यूट्यूब पर एक वीडियो से मिला था। नाम बदलने को लेकर शुरू हुई राजनीति अब उत्तर प्रदेश से होते हुए पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुकी है। बंगाल के उत्तर दीजापुर के इस्लामपुर को कुछ लोगों ने रातों रात ईश्वरपुर बना दिया। यहां आरएसएस की ओर से संचालित कई स्कूलों के बोर्ड पर इस्लामपुर की जगह ईश्वरपुर लिखा मिला। हैरानी की बात तो ये है कि प्रिंसिपल को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। खराब वायु गुणवत्ता के कारण अब दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ सीएनजी वाहनों को चलाने का फैसला हो सकता है। सभी तरह के पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों पर रोक लग सकती है। इसमें दो पहिया वाहन भी शामिल हैं। ईपीसीए के चेयरमैन भूरे लाल ने कहा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। दिल्ली एनसीआर में सभी गाड़ियों पर स्टीकर न होने के चलते डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों की पहचान संभव नहीं है। इसी वजह से सभी गाड़ियों को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ सकता है। दिल्ली के महिपालपुर में ड्यूटी पर तैनात एएसआई जितेंद्र को एक तेज रफ्तार ट्रक ने मौत के घाट उतार दिया। एएसआई ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान ट्रक चालक ने रफ्तार और तेज कर दी और एएसआई को करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इससे मौके पर ही एएसआई की मौत हो गई। हालांकि चालक को गुरुग्राम के रास्ते से पकड़ लिया गया। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की है। आजमगढ़ का नाम आर्यगढ़ करने की चर्चा को लेकर आजमी ने कहा, आजमगढ़ को आजम शाह साहब ने बसाया था, योगी के बाप ने नहीं बसाया था। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोलते हुए आजमी ने कहा, 2019 में मोदी को वापस गुजरात जाना पड़ेगा। धोबी का कुत्ता ना घर का होता है ना घाट का। दिल्ली एनसीआर में आज दोपहर हल्की बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में धुंध और धूप ना निकलने के कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज हुई। मौसम विभाग के मुताबिक जिस तरह से दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है, बारिश के कारण उसमें रोक लगेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से लगे इलाके में पाकिस्तानी स्नाइपर की फायरिंग में एक सैनिक शहीद हो गया, जबकि एक अन्य जख्मी हो गया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी स्नाइपर्स लगातार भारतीय जवानों को निशाना बना रहे हैं और बीते एक हफ्ते में 4 जवान स्नाइपर्स की गोली से शहीद हो गए। आज देश के कई हिस्सों में छठ पर्व मनाया जा रहा है। इसे सबसे कठिन पर्व माना जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस पर्व का आज पहला अर्घ्य है और कल दूसरा होगा। आज शाम और कल सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही पूजा का समापन होगा। इस पूजा में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य देने के बाद ही खाया जाता है। इस दिन घर के सभी सदस्य व्रत रखते हैं। मान्यता है कि छठ का व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है और बच्चों से जुड़े कष्टों का निवारण होता है। इस व्रत में सूर्य भगवान की विशेष कृपा होती है। तेल के दामों में कटौती का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में पेट्रोल 13 पैसे तो डीजल में 12 पैसे की कटौती देखने को मिली। अब राजधानी में पेट्रोल 77.43 रुपए प्रति लीटर और डीजल 72.19 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के रिसेप्शन का कार्ड इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है।
उन्होंने इसमें खास तौर पर मेंशन किया है कि पार्टी में शरीक होने वाले लोग उनके लिए गिफ्ट्स लेकर ना आए। यदि उन्हें कोई कुछ देना चाहता है तो उनकी फाउंडेशन को डोनेट कर दे। दीपिका एक फाउंडेशन चलाती हैं जिसका नाम लिव लव लाफ है। दोनों ने अपनी शादी से तो मीडिया को दूर रखा है, लेकिन रिसेप्शन पार्टी कवर करने के लिए मीडिया को खास तौर पर इनविटेशन भेजा गया है। आपको बता दें 14 और 15 नवंबर को लेक कोमो में दो अलग अलग रीति रिवाजों से इनकी शादी होगी। इसके बाद 21 नवंबर को बेंगलुरु और 28 नवंबर को मुंबई के ग्रेट ग्रैंड हयात होटल में रिसेप्शन दिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।